राजधानी में मोबाइल ऐप के जरिए झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इस मामले में शहर की जालूपुरा पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आने वाले आरोपी दिव्यांशु गांगुली, राजेंद्र महिंद्रा और भार्गव रश्मिकांत हैं। मामले का खुलासा करते हुए थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी अपनी कंपनी के जरिए लोगों को मोटी रकम कमाने का झांसा देते थे। वहीं प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। हाँ, ये अहमदाबाद की एक कंपनी ने जालूपुरा स्थित अंबर टावर में स्थित एक कंपनी के साथ एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। इसकी एक FIR दर्ज थी जालूपुरा थाने पर। ये लोग अहमदाबाद में बेस्ड एक कंपनी थी जो मोबाइल ऐप बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। काफ़ी लोगों के साथ धोखाधड़ी की इन्होंने। एक इनके खिलाफ मामला अजमेर में भी रजिस्टर्ड है, एक बॉम्बे में रजिस्टर्ड है। इन्होंने 40-50 प्रॉपर्टी भी बनाए थे। ये लोग मोबाइल ऐप को पहले बेचते थे, उसके बाद में ये उसको और आगे बेचने का लालच देते थे और 3-4 लाख रुपए एडवांस में ले लेते थे, उसके बाद में संपर्क बंद कर देते थे। इस तरह का मामला था। इनके खिलाफ और भी काफ़ी सारे मामले हैं। हमने इनके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो कंपनी के निदेशक हैं। तीनों अभियुक्तों को पुलिस अभी